अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बेटे 10th क्लास, आज के जो हमारी टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी। हमने जो क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी जो वो कल मालूम किए थे उसमें एक 1 था बेटे और एक था -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 प्लस के साथ था एक, और एक जो था वो माइनस के साथ था बेटे -3/2 बेटे। तो ये हमारे जो है ना, ये इसके रूट्स थे यूनिटी के, क्यूब रूट थे। तो देखते हैं बेटे, इसमें जो कॉम्प्लेक्स हमारे हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो ये दो हैं। ये दोनों जो हैं, इसको हमने एक को जो है वो ओमेगा का नाम दिया था और दूसरे को जो है वो ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था बेटे। हमने आज ये प्रूव करना है, इसका फर्स्ट जो प्रूफ है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसके बेटे कहने का मतलब ये है, हमने ये प्रूव करना है कि हर जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है ऑफ द यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, वो दूसरे का स्क्वायर होता है बेटे। तो हम इसको जब प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं -1 प्लस अंडर रूट -3/2, इसको बेटे हमने अगर ओमेगा का नाम दिया है तो देखते हैं कि ओमेगा स्क्वायर क्या आता है। इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस अंडर रूट -3/2 बेटे इसका स्क्वायर होगा। तो ये बेटे फर्स्ट हमारा ए मीन्स के -1 का स्क्वायर होगा बेटे, प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -1 इंटू अंडर रूट -3 बेटे ओवर, ये 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा बेटे। तो ये -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, +1 और ये स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस -2 अंडर रूट -3/4 बेटे। तो ये हमारे पास जो है ना, ये इसको इसका स्क्वायर ओपन करने से हमें ये वैल्यू जो है ऑब्टेन होगी बेटे। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2 बेटे। तो -2 -2 अंडर रूट -3/4 बेटे। तो अब ऊपर में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा -1 माइनस अंडर रूट -3/4 बेटे। तो ये 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो ये बेटे इस तरह से आ जाएगा -1 -1 माइनस अंडर रूट -3/2 बेटे। तो आप ये देखें बेटे कि अगर हमने प्लस वाले का स्क्वायर लिया है तो इसका आंसर जो है वो क्या आया, नेगेटिव में आया है, मतलब ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है बेटे, ये ओमेगा स्क्वायर है। और इसी तरह से अगर आप उसको जो है वो दूसरे को, इसको ओमेगा कहते हैं, ये हमारे मतलब इसको अगर आप ओमेगा कहते हैं तो इसका ओमेगा स्क्वायर जो है ये वाला आएगा। हमने आज इसको प्रूव करना है, ये फर्स्ट हमने कर लिया कि ओमेगा वाला हमने प्लस में लिया और हम स्क्वायर वाला जो है वो माइनस में आ गया बेटा। अब हम देखते हैं कि ओमेगा अगर माइनस में लिया जाए तो क्या वो भी प्लस में आएगा। इसमें बेटा आपके पास दोनों ऑप्शंस थे कि आप जिसको मर्जी जो है ओमेगा कह सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 बेटे जी बेटे। तो इसका हम स्केयर लेते हैं, टेकिंग स्केयर बोथ साइड, ओमेगा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होल स्केयर बेटे। तो ये ओमेगा स्केयर होगा, ओमेगा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 का स्केयर बेटे प्लस अंडर रूट -3 स्केयर, और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, 2 इंटू -1 इंटू अंडर रूट -3/4 बेटे, 2 का स्केयर जो है वो 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट बेटे देखिएगा, -1 का स्केयर जब हम लेंगे तो ये पॉजिटिव 1 आएगा, +1 आएगा, और ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस बेटे 2 अंडर रूट -3/4 बेटे। तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 आएगा बेटे, -2 प्लस 2 अंडर रूट -3/4 बेटे, 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो -1 प्लस अंडर रूट -3/4, 2 वन ज़ा 2,
टू टू ज़ा फोर, और यहाँ पे आ जाएगा बेटे माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू बेटे। तो ये हमारे पास जो है ना वो हमने माइनस वाले को लिया तो हमारा जो ओमेगा स्क्वायर था वो पॉजिटिव में आएगा बेटे। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो एक अगर हम इसको ओमेगा लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर जो उसका साइन चेंज होके आएगा, तो बेटे ये हमने दूसरा उसका जब क्यूब रूट होगा। तो ये बेटे हमारा जब टॉपिक था, तो आज इसको ज़रा डिस्कस कर लीजिएगा, इसको जब उस अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारे अगले लेक्चर में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बाद में होगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।